हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एम एस के एम सी क्यूज के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू कट समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड इज फॉर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं अंडू समथिंग ऑप्शन बी डिलीट समथिंग ऑप्शन सी पेस्ट समथिंग ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो इसका जो सही आंसर है वो है अंडू समथिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग लेटर्स पेपर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए डाटाबेस ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन सी स्प्रेडशीट ऑप्शन डी ऑपरेटिंग प्रोग्राम तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट डाज दी कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की अकम्पलिश इन एम एस वर्ल्ड तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए लार्ज साइज ऑप्शन बी लाइन ब्रेक ऑप्शन सी टेक्स्ट बोर्ड ऑप्शन डी टेक्स्ट इटैलिक तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी टेक्स्ट इटैलिक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज दाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड थ्री डॉक्यूमेंट तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉट ऑप्शन बी डॉक ऑप्शन सी डॉम ऑप्शन डी टेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू चेक स्पेलिंग तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एफ वन ऑप्शन बी एफ टू ऑप्शन सी एफ सेवन या ऑप्शन डी एफ नाइन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एफ सेवन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट ए वर्ल्ड टेबल कैन हैव तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी टू रोज एंड वन कॉलम ऑप्शन सी टू रोज एंड टू कॉलम या ऑप्शन डी वन रो एंड वन कॉलम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वन रो एंड वन कॉलम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन बी अपडेट करंट वेब पेज ऑप्शन सी क्लोज द करंट विंडो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लोज द क्रंट विंडो इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज फॉर तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं डिलीट सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली या ऑप्शन बी कॉपी दी सिलेक्टेड आइटम या ऑप्शन सी रिनेम सिलेक्टेड आइटम या ऑप्शन डी क्रिएट ए शॉर्टकट टू सिलेक्टेड आइटम तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डिलीट दी सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए इज टू यहाँ पे चार ऑप्शन है सेलेक्ट आर ऑप्शन बी हाईलाइट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन सी डिलीट समथिंग या ऑप्शन डी पेस्ट समथिंग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेलेक्ट आल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट इज यहां पर चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट फॉर कॉपी इज तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव या ऑप्शन डी सिक्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थ्री इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट लाइंस टू ड्रॉ बॉक्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइव ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी टेन ऑप्शन डी फिफ्टीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी टेन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंगल स्पेसिंग इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट कोजिस डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग तो इसके चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं ऑप्शन ए टेन ऑप्शन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी फिफ्टीन ऑप्शन डी एटीन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्वेल्व इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉ फॉर ड्रॉप कैप तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी फोर ऑप्शन सी फाइव या ऑप्शन डी सेवन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थ्री इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ए डॉक्यूमेंट वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एम एस वर्ल्ड टेबल तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 63, या ऑप्शन डी 45। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 63 इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं डॉट टी एक्स टी एस ऑप्शन बी डॉट इसके बाद ऑप्शन सी डॉट डॉक्स या ऑप्शन डी डॉट डी ओ सी एक्स तो यहां पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉट डी ओ सी एक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डॉट एम एस डब्ल्यू ऑप्शन बी डॉट डब्ल्यू ओ आर ऑप्शन सी डॉट डब्ल्यू आर डी ऑप्शन डी डॉट डी ओ सी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डॉट डी ओ सी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दालेस्ट वर्थ ऑफ कॉलम तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन सी वन ऑप्शन डी वन पॉइंट फाइव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जीरो पॉइंट फाइव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जेड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए अनडू लास्ट एक्शन ऑप्शन बी रीडू द लास्ट एक्शन ऑप्शन सी ऐड द न्यू पेज ऑप्शन डी पेस्ट कंटेंट्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अंडू लास्ट एक्शन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट ऑप्शन सी आर कैप्स ऑप्शन डी शेडो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू मेक दिलेक्टेड करेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इक्वल टू ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू ऑप्शन सी एट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू ऑप्शन डी नन ऑफ अबव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन दी ओपन डायलॉग बॉक्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एफ ट्वेल्व ऑप्शन बी शिफ्ट एफ ट्वेल्व ऑप्शन सी एट प्लस एफ ट्वेल्व ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इज दी शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एड प्लस एंटर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ऑप्शन सी एड प्लस शिफ्ट प्लस एंटर ऑप्शन डी एड प्लस स्पेस प्लस एंटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट एडेंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम ऑप्शन सी एड प्लस आई ऑप्शन डी एफ टेन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस बी तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्च द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन बी पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन सी बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या ऑप्शन डी ओपन द स्पेसिफाइड फाइल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पेज डाउन ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस पेज अप ऑप्शन सी बोथ ऑफ हव या ऑप्शन डी नन ऑफ हव तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ऑफ हव इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए लेफ्ट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन सी सेंटर या ऑप्शन डी टॉप तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेंटर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मिंग इज नॉट ऑन होम रिबन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कॉलम्स ऑप्शन बी फॉन्ट कलर ऑप्शन सी चेंज स्टाइल ऑप्शन डी फ़ॉन्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉलम्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ई e, तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एग्जिट एप्लीकेशन ऑप्शन बी सेलेक्ट आल ऑप्शन सी क्लियर आल ऑप्शन डी अलाइन सेंटर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अलाइन सेंटर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ओ तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सेव डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन सी क्लोज डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी ओपन डॉक्यूमेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ओपन डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच फीचर डू यू यूज क्रिएट ए न्यूज पेपर लाइक डॉक्यूमेंट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन बी टेबल्स ऑप्शन सी कॉलम्स या ऑप्शन डी टैब स्टॉप्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉलम्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मूव एंड पेस्ट ऑप्शन बी कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन सी कट एंड पेस्ट ऑप्शन डी डिलीट एंड पेस्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कट एंड पेस्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एक्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लोज डॉक्यूमेंट ऑप्शन बी क्लोज वर्ड ऑप्शन सी कट दी सिलेक्टेड कंटेंट्स ऑप्शन डी कॉपी दी सिलेक्टेड कंटेंट्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कट दी सिलेक्टेड कंटेंट्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डी तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए डिलीट बॉक्स ऑप्शन बी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑप्शन सी डिलीट आल ऑप्शन डी डू नथिंग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस बाई तो यहाँ पे चार ऑप्शन है अंडू द लास्ट एक्शन ऑप्शन बी रिपीट द लास्ट एक्शन ऑप्शन सी डिलीट द लास्ट पेज ऑप्शन डी डिलीट द फर्स्ट पेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रिपीट दी लास्ट एक्शन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्यूक कॉपी ऑपरेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन बी विंडोज क्लिपबोर्ड ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन डी ऑटो टेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन्स मूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम क्लिप तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए कॉपी ऑप्शन बी पेस्ट ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन डी कट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पेस्ट इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने एमएस वर्ल्ड के एम सी क्यूज़ के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद